दीवान हो गया है लालचंद डोगरा, दर्शन के लिए घंटों बैठे रहो। बाबा तुम हमेशा डोगरा के खिलाफ बोलते रहते हो। क्योंकि मैं डोगरा का गुलाम नहीं हूं। तो काट डालो अपने पैरों से वो डोगरा के नाम की बेड़ियां। बेड़ियां नहीं, घुंघरू है घुंघरू। एक दिन ऐसा तांडव करूंगा ना कि डोगरा भी याद रखेगा। चुप करो यार, हम डोगरा को भी अच्छी तरह से जानते हैं और अपनी हैसियत को भी। क्या फायदा है ऐसी बातें करने का? कोई हद होती यार। 11 बजे की मीटिंग, अभी तक डोगरा का पता नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको मेरी सालगिरह याद रही? अरे आज ही के दिन तो इतना हसीन तोहफा हमारे लिए दुनिया में आया था, इस दिन को कैसे भूल सकते हैं। क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए इतनी चौड़ी छाती हाजिर है जानेमन। हटो भी, जाने दो, मुझे जय को तैयार करके ट्यूशन भेजना है। ट्यूशन? हाँ। ट्यूशन की क्या जरूरत? ताकि उसे अच्छी स्कूल में दाखिला मिल सके। इस शहर में कोई ऐसा स्कूल है जो मेरे बेटे को दाखिल करने से इनकार करे? अगर है तो बता दो, मैं से घोड़ों का अस्तबल बना दूंगा। देखो, बच्चों की पढ़ाई के मामले में तुम दखल मत दो, वो मुझ पे छोड़ दो। चलो आज के दिन मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता। ये तो राज की आवाज है। हाँ। क्या हुआ? राज? क्या हुआ? क्या हुआ? ये टेबल यहाँ किसने रखा? सुनिए, चलो। सुनिए, टेबल तो यही रहता है, ये बच्चे। खामोश। जाओ दवाई लेकर आओ। हाँ बेटा। जो चलोगा? अभी ठीक हो जा। बता बेटा। ओ माँ। नहीं बेटा। नहीं बेटा नहीं। नहीं नहीं। ला। अभी एकदम ठंडा ठंडा लगेगा। अगर डोगरा अपने आप को छत समझता है तो हम उसकी दीवारें हैं। अगर वो अपने आप को फलदार पेड़ समझता है तो हम उसकी जड़ें हैं। क्या वक्त हुआ है? 11 बजे। बाबा हमें आने में ज्यादा देर तो नहीं हुई ना? नहीं तो। हमें यकीन है कि आप लोगों को हमारे काम करने का ढंग पसंद नहीं आ रहा है और किसी के दिल में अपने पैरों पर खड़े होकर डोगरा के कद के बराबर होने का ख्याल पैदा हो गया है। आप जो भी कहें। नहीं, अभी हमारी बात पूरी हुई है और नहीं हमने तुमसे कोई सवाल किया है। हम फैसला सुनाने आए। आज से आप सब लोग आजाद हैं अपने तरीके से काम करने के लिए और अपने तरीके से जीने के लिए। लेकिन अब हम लोग क्या करें? इंतजार। किसका इंतजार? उसी का, जिसे एक दिन सभी को मिलना है, हमें भी और तुम्हें भी। Thank you.
हेलो, क्या मैं डीसीपी साहब से बात कर सकता हूँ? डीसीपी परमजीत सिंह, या शहर में जो कत्ल हुए हैं उनका जिम्मेदार है लालचंद डोगरा। What? डोगरा? कहो, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? साहब, 3 साल से सदरू कालिया मेरे 7 करोड़ के बंगले पर कब्जा जमाए बैठा है। पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, बंगला खाली हो जाएगा, 2 करोड़ मंजूर है। तुम बोलो। जी, मेरा बड़ा भाई जेल में है। पुलिस क्या कहती है? पुलिस ने उसे टाटा में डाल दिया। ठीक है, हम कमिश्नर से बात करेंगे, तुम्हारा भाई छूट जाएगा। राज, बस यही कमी रह गई थी, आज घर में बाप की नकल कर रहा है। हाँ बता, कल बाहर काम भी ऐसे ही करेगा? ऐसे ही करेगा? अरे अनिया! डैडी! अरे नहीं बेटा, नहीं। ए, जा तुम लोग। ये क्या किया तुमने? क्यों मारे इसे? क्यों मारा? इतना सर पे मत चढ़ाइए इसे कि ये कल आपका सर नीचा कर दे। ये हमारा सर नीचा करेगा? अरे यही तो है जो कल दुनिया में हमारा सर ऊंचा करेगा। ये हमारा कल है अंजना, ये डोगरा का कल है। आप अपने कल के बारे में सोचते तो आपका आज ऐसा ना होता। अंजना, शायद मेरे प्यार, मेरी सेवा में ही कुछ कमी रह गई होगी जो मैं आपको बदल ना सकी। ठीक है, मेरा प्यार हार गया है ना, लेकिन अपनी ममता को नहीं हारने दूंगी। ये बच्चे आपके नहीं, मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। अच्छा, मेरे बच्चे तुम्हारे बताए हुए रास्ते पे चलेंगे? एक बात कान खोलकर सुन लो अंजना, जो हमारे तरीके पे चलता है वो हमारा रहता है, और जो हमारी मर्जी के खिलाफ चलता है वो कहीं का नहीं रहता। फैसला कर लो। मैं अपने बेटों के साथ आपका ये घर इसी वक्त छोड़कर जा रही हूँ। इस फैसले के नुकसान का अंदाजा है तुम्हें? सिंदूर और मंगलसूत्र की कीमत जानती हो तुम? ये दोनों निशानियाँ प्यार, विश्वास और बराबरी की हैं, लेकिन आपने शायद इसे गुलामी की समझ रखा है, और मैं गुलाम नहीं हूँ। चल बेटा। तो जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है, लेकिन हमारे बेटे हमारे साथ रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत इन्हें हमसे जुदा नहीं कर सकती, न इनकी माँ न उसकी ममता। जानती हूँ कमजोर हूँ, आपसे छीन नहीं पाऊंगी, यही ना? जब जानती हो कि कुछ कर नहीं सकती हो तो करने की कोशिश क्यों करती हो? एक काम जरूर कर सकती हूँ, जिसने अभी तक जन्म नहीं लिया कम से कम उसे आपके साये से दूर रख सकती हूँ। और याद रखना, उसे आप छीन नहीं पाएंगे, अपनी सारी ताकत लगा कर दे। अंजना, मैं पलट कर नहीं आऊंगी, अब आपको मुझ तक आना होगा। आपसे कोई साहब मिलना चाहते हैं? बोलो। अरे बचपन की आदत गई नहीं तेरी? क्या कबड्डी खेलते थे दोस्त, हाय मेरा बचपना मुझे याद आ गया, क्या मजे किया करते थे। आज मेरी याद आई तुझे? अरे लाला, तुझे अमीर बनना था, तेरी रफ्तार तेज थी, मैं सिपाही बनना चाहता था, खैर धीरे धीरे पहुंच ही गया तुझ तक, डीसीपी बनकर। डीसीपी बन गया? अरे वाह, डीसीपी बन गया, कब आया शहर में?
एक महीना हो गया, एक महीना हो गया और आज आ रहा है, आज आ रहा है, चल, चल, चल। तो महीने भर के बाद आज पता मिला है जो हमसे मिलने आया तू है। लाले तेरा पता तो शहर के हर पुलिस वाले को जुबान ही याद है, वो बात अलग है कि उनकी जुबान बंद रहती है। तेरी जुबान में अपनापन नहीं है। हमसे मिलने कौन आया, दोस्त या पुलिस वाला? दोनों साथ में आए हैं डोगरा। पुलिस वाला तुम्हें कानून के पास ले जाने और दोस्ती मशवरा देने कि इसी में तुम्हारी भलाई है। दोबारा इस घर में आना तो हमारी गुजरी हुई जिंदगी के दिनों से ज्यादा सबूत लेकर आना। तुम दोस्त थे इसलिए तुम्हें इस घर में आने दिया गया, वरना तुम्हारे हैसियत के ऑफिसरों से हमारा दरबान बात करता है, वो जानता है कि हमें खाकी रंग का कुत्ता भी पसंद नहीं है। You like your papa, na? पपी दो पापा को, आई शाबाश, चलो इसे कमरे में ले जाओ। चलो लालचंद डोगरा, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। बाहर काफी पुलिस मौजूद है, मैं अकेला अंदर इस विश्वास से आया हूं कि तुम कोई तमाशा नहीं करोगे। परमजीत, मैंने उस दिन कहा था कि दोबारा इस घर में आना तो पूरे सबूत के साथ आना, लगता है फिर खाली आता है। नहीं लालचंद, खाली हाथ ना मैं उस दिन आया था और ना आज आया। याद है तुमने कहा था कि इस शहर में भगवान के खिलाफ बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, तुम्हारे खिलाफ नहीं। ठीक ही तो कहा था। डोगरा, इसी अहंकार में तुम अपने खिलाफ बोलते चले गए। सुनोगे कि किस तरह तुमने अपने लिए फांसी का फंदा तैयार कर लिया। सुनो लालचंद, परमजीत, तुम दोस्त थे इसलिए तुम्हें अंदर आने दिया गया, वरना तुम्हारे हैसियत के ऑफिसरों से हमारा दरबान बात करता है, क्योंकि वो जानता है कि खाकी रंग का तो हमें कुत्ता भी पसंद नहीं है। तुम उन चार लोगों की मौत के बारे में जानना चाहते थे। हाँ, उनकी मौत डोगरा के इशारे पर हुई थी, लेकिन कोई बोलेगा नहीं क्योंकि पुलिस और पब्लिक दोनों जानती है कि डोगरा की मर्जी से शहर में जुर्म होते हैं और डोगरा की मर्जी के खिलाफ चलने वालों को मौत मिलती है। अगर तेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं सारे शहर में आग लगा दूंगा। आई विल किल यू एवरीबॉडी। आई एम सॉरी लाला, तुम्हारे बच्चे नहीं। कानून और तू जिम्मेदार है मेरे बच्चों की मौत का। बंदी, तू जिम्मेदार है, तेरा कानून जिम्मेदार है। मैं दोनों से बदल लूंगा, डोगरा पतला लेगा, ले जाओ। तेरे कानून से मैं नहीं छोड़ूंगा। पापा, पापा। जय, अरे ओ, बस बेटा, बस 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 बस
आज बंबई के एक मशहूर अपराधी लालचंद डोगरा के घर पर पुलिस ने छापा मारा। डोगरा और उसके आदमियों ने पुलिस पर गोलीबारी की। पुलिस के जवाबी हमले से डोगरा के घर में आग लग गई और उस आग में जलकर डोगरा के दो मासूम बेटों की मृत्यु हो गई। डोगरा को पुलिस हिरासत में लिया गया है। कैसा लग रहा है सिंहासन से उतरने के बाद? राजा सिंहासन छोड़ने के बाद भी राजा ही होता है। अच्छा हुआ डोगरा तुम्हारा घमंड नहीं टूटा। इसे संभाल के रखना, क्योंकि इसे मैं तोड़ूंगा। मैं आज तक नहीं भूला हूं अपने पाप का अंजाम। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन इस जेल का दरवाजा तुम्हें आजाद करने के लिए खुलेगा। उस दिन डोगरा, मुझे मेरे पाप की कसम, मैं अपना इंतकाम पूरा करूंगा। बैठो नेताजी, काम बोलो। बाबा क्या है कि वो इस बार चुनाव में मेरे खिलाफ डिसिल्वा खड़ा हो गया है। फिर
वो चुनाव जीत जाएगा बाबा, साला एक नंबर का ईमानदार आदमी है। ईमानदार आदमी नेता कैसे बन सकता है, वो तो मास्टर या क्लार्क होना चाहिए। नेता तो तुम जैसा कलाकार ही बन सकता है। आपके मुंह में घी शक्कर, बस सिल्वा को रास्ते से हटा दो। सिर्फ घी शक्कर खाकर? ये रहे 5 लाख एडवांस। जाओ चैन के नींद सो जाओ। अच्छा चलता हूं बाबा। जी बाबा। राज को बुलाओ। जाती कहाँ? अबे पहली बार तो मिली मुझे। तो यहाँ चल रही है पार्टी। ए शाने, कोने पे तू? मैं अपना एक उसूल बताना चाहता हूँ। अगर लड़की हाँ बोले ना तो छोड़ना नहीं, और अगर ना बोले तो छेड़ना नहीं। तो लड़की तो रो रही है, मतलब ना बोल रही है ना? Thank you. खूबसूरत हो। थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? राज। और तुम्हारा? शिल्पा। शिल्पा। राज, एक काम मिला है। मशहूर आदमी है डिसिल्वा। पता डोमिनिक कॉलोनी चर्च के पीछे। कसूर हमारे आदमी के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा है। बुरा करते हैं वो लोग जो अपनी जिंदगी मेरी मुट्ठी में दे देते हैं।
सिल्वा साहब का कातिल अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं, हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द कातिल पकड़ा जाएगा और इसकी खबर हम सबसे पहले प्रेस को देंगे। सर इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है लेकिन इसका रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आया। रिजल्ट जरूर सामने आएगा क्योंकि इस केस को इंस्पेक्टर जय हैंडल कर रहे हैं। कोई क्लू मिला सर? हाँ कुछ क्लू मिले हैं लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि इंस्पेक्टर जय का केस हैंडल करने का तरीका कुछ अलग है। से इज्जतदार कर्मों से कातिलों के पहरेदार, पुलिस स्टेशन चलोगे मेरे सरकार? सर इसे इस कुर्सी पे बैठा दो। लेकिन सर ये तो कुर्सी पे बैठा दो। गौरी शंकर को ले आओ। जी सर। देखो मैं सिर्फ तीन तक गिनूंगा। एक, दो, तीन। इसे हटाओ, नेताजी को बिठाओ। अरे पांडू। हाँ। देखा हमारे जेसर का पैतरा? हाँ। न बॉडी असली, न गोली असली, लेकिन काम तो असली हो गया ना। अब देखना ये नेता तोते की तरह बोलेगा। मैं तीन तक गिनूंगा। नहीं 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 नहीं, बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ। सिल्वा का खून किसके हाथों करवाया? एक्सक्यूज मी, मेरे क्लाइंट गौरी शंकर जी बिना मेरे मशवरे के कोई बयान नहीं देंगे। इस वक्त मैं इन्हें लेने के लिए आया हूँ और ये अपना बयान सिर्फ कोर्ट में ही देंगे। और ये रहे इनके जमानत के कागजात। यमराज लेट हो सकते हैं लेकिन आप लोग नहीं। क्या करें इंस्पेक्टर साहब, हमारा पेशा ही कुछ ऐसा है। हाँ
जिस्मों की दलाली को भी पेशा ही कहते हैं। इस वक्त मैं आपका भाषण सुनने के लिए नहीं, इन्हें ले जाने के लिए आया हूं। ले जाऊं इन्हें? अधिकार है आपका। चलिए गौरीशंकर जी। गौरीशंकर जी, एक बात याद रखना, फांसी का फंदा कुछ देर के लिए दूर हुआ है, खुला नहीं। बाबा, मैं गौरीशंकर। काम होने के बाद हमारे साथ रिश्ता मत रखो, बहुत महंगा पड़ता है। बाबा, मेरी जान पर बनी है और आप सस्ते महंगे की बात कर रहे हैं। वो इंस्पेक्टर जय मुझे छोड़ेगा नहीं, उस दिन तो बच गया था, लेकिन अगर इसके बाद अगर हमारा नाम तुम्हारे मुंह से निकला तो वो तुम्हारी आखिरी गलती होगी। तो फिर जय का कुछ कीजिए। हो जाएगा जी, ठीक है। हाँ। तुम प्यादा, मैंने तुमसे कहा था फांसी का फंदा खुला नहीं। किससे कह रहे थे कि मैं तुम्हारे पीछे लगाऊं? किसी से नहीं। गौरीशंकर, डंडा बहुत देर से रिजल्ट देता है, लेकिन मेरे पास रिवॉल्वर भी है, वो भी भरी हुई। देखो, मैंने एक गोली निकाल दी, अब इसके एक खाने में जिंदगी है और चार में मौत। सोचो, अब जिंदगी सिर्फ एक बार साथ देगी। वो क्या है कि गौरीशंकर, अब या ना कोई वकील आएगा ना कोई जमानत होगी। बता बता, सिल्वा का खून किसके हाथों करवाया? बाबा, बाबा, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, मेरे पास तुम्हारे नाम का वारंट है। गौर से देखो इंस्पेक्टर, किसी और का नाम लिखा होगा। नहीं बाबा, नाम तुम्हारा ही है, क्योंकि इसमें बाप के नाम की जगह खाली है और इस शहर में दूसरा बाबा नाम का हरामी नहीं है। वर्दी पहनकर बदतमीजी करना तो पुलिस वालों की आदत है, मगर एक बात मैं तुम्हें बता दूं, इस शहर की किसी भी अदालत में वो टाइपिंग मशीन नहीं है जो वारंट पर बाबा का नाम टाइप कर सके। लेकिन मेरे हाथों में कानून ने इतनी ताकत दी है कि मैं तेरे माथे पर कानून का नाम लिख दूं। अरे जा जा, तू जानता नहीं बाबा बड़ी कुत्ती चीज है। अच्छा, मैं तो तुम्हें नर समझता था, मुझे नहीं पता था कि तुम कुत्ता नहीं कुत्ती हो। याद रखना इंस्पेक्टर,
तूने बाबा के जबड़े में हाथ डाला है, चबाकर थूक दूंगा उसे जमीन पर। बाबा ये मेरी शराफत है कि तेरे मुंह में दांत अभी भी बाकी है, वरना चबाने का ख्याल तेरे दिल में कभी नहीं आता। पागल हो गया क्या तू? क्या बात है ऑफिसर? सर, हर अपराधी की तरह अपनी ताकत की धमकी दे रहा है। धमकी नहीं, हकीकत है ये। बिना किसी सबूत के मेरे साथ ये सलूक किया है कमिश्नर। इस ऑफिसर ने मेरे क्लब में आकर मेरे आदमियों को मारा और मुझे यहां लाकर बंद कर दिया। ऑफिसर? सर, मेरे पास वो गवाह है जिसने पैसे देकर डेसिल्वा का कत्ल करवाया था। तो फिर मेरे सामने लाओ। बयान अदालत में दिया जाएगा। इंस्पेक्टर, चाहने से अगर काम होते ना तो रावण कभी नहीं मरता। चाहने और करने में बहुत बड़ा फर्क है। सवाल यह नहीं कि तुम्हारा गवाह अदालत में आना चाहता है, सवाल यह है कि क्या वो अदालत में आ पाएगा। शंकर का खून हो गया है सर। एक कार को जाते हुए देखा है। गाड़ी का नंबर लिया? हाँ, क्या बताया? MH01785। मिस्टर राज, आपकी गाड़ी जो मिल गई। मेरी गाड़ी मिल गई? मतलब? हाँ, मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी। मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी लिखवाई है। लगता है बहुत ही शकी किस्म के ऑफिसर है। देखिए मिस्टर जय, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मुझे झूठा समझे। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आ रहा तो आप पुलिस स्टेशन फोन करके पता कर सकते हैं। कैन आई यूज योर फोन? ऑल योर्स, गो अहेड। 642-1818। जानता हूं। मैंने सोचा शायद। जी हां, शायद। हेलो, पुलिस स्टेशन? जी। मैं सब इंस्पेक्टर जय बोल रहा हूं। क्या आपके यहाँ कार नंबर MH01785 की चोरी की रिपोर्ट लिखाई गई थी? मैं देखे बताता हूँ। हाँ, थैंक यू। हेलो। हाँ हाँ सर, वो गाड़ी मिल गई, पुलिस स्टेशन में है। अच्छा, थैंक यू। हो गया ना इत्मीनान फिलहाल। वैसे आपकी गाड़ी मिल चुकी है, आप पुलिस स्टेशन से कलेक्ट कर सकते हैं। देखा ना ज्योति डार्लिंग, मैंने तुमसे कहा था ना, हमारे शहर की पुलिस बहुत ही अलर्ट है, सेकंड टू नन। लेकिन एक बात अपने ध्यान में रखिए मिस्टर राज, आइंदा आपकी गाड़ी चोरी ना होने पाए, बार बार पुलिस बेखबर नहीं रहेगी। राज, तुम? You're right, Mr. Raj. इस शहर की पुलिस बहुत अलर्ट है। We are second to none. Good night. इंस्पेक्टर, नए नए कपड़े अक्सर बदन में खुजली पैदा करते हैं। तुमने भी नई नई वर्दी पहनी है ना, इसीलिए तुम्हारा बदन भी खुजाने लगा है और तुम अपनी खुजली बाबा से मिटाने लगे। बाबा तो खजाने पर कुंडली मारकर बैठे हुए नाक को भी बीन बजाकर हटा देता है। अरे तू तो एक फालतू पुलिस ऑफिसर है। बाबा, आपके खिलाफ सबूत तो मिट गया है, लेकिन मेरा एक मशवरा है, पुलिस से दुश्मनी लेना बेवकूफी है, खास करके जय जैसे ऑफिसर से।
मेरा भी एक मशवरा सुन लीजिए कमिश्नर साहब, और समझा दीजिए इस फालतू पुलिस ऑफिसर को कि कानून कमजोरों की तरह दौलत वालों के दरवाजे पर खड़ा रहता है। ये 20 रुपए मीटर की खाकी पहनकर अपनी औकात ना भूले। देखा देखा कमिश्नर, तुम्हारे सामने मुझे इसने मारा है। कमिश्नर, इसे फौरन सस्पेंड कर दो। किस लिए सस्पेंड कर दो? तुम्हारे सामने इसने मुझे मारा है। इसने तुम्हें मारा? मैंने तो नहीं देखा। तुमने देखा? नहीं सर, हमने कुछ नहीं देखा। तुमने देखा? नहीं सर। तुमने देखा? नहीं सर। देखा बाबा, यहां तो किसी ने नहीं देखा। अच्छा ठीक है कमिश्नर, मेरे मुंह पर तमाचा किसी को नजर नहीं आया, लेकिन जब बाबा का तमाचा पड़ेगा ना, सबकी आंखें खुलेगी। खुली की खुली रह जाएगी। इकबाल, हमारा एक काम करोगे? लाला, आपकी खिदमत करना मेरा ईमान है, हुक्म कीजिए। एक बार अंजना के दिल में मेरे लिए रहम पैदा करवा दो, एक बार मुझे मेरे बेटे की सूरत दिखा दो। अंजना अगर खुद ना आना चाहे तो तुम्हारे हाथ से भेज दे, मगर एक बार मुझे मेरे बेटे की सूरत दिखा दो। इकबाल, बेटा अपने अजनबी बाप से क्यों मिलेगा? उसने जब भी अपने बाप के बारे में जानना चाहा, मैंने कह दिया कि वो बहुत दूर चले गए हैं, अगर रास्ता मिल गया तो शायद लौट आए। और एक बात, मैंने तुम्हारे लाला का नाम इस्तेमाल किए बगैर जवान किया है अपने बेटे को। बहू जी, अगर आप लाला के चेहरे पे हसरत देखती ना तो मोम की तरह पिघल जाती। नहीं एक बार, पत्थर कभी मोम नहीं होते, और इतने साल हालात से टकरा टकरा कर पत्थर हो गई हूं मैं। पत्थर इमारत की बुनियाद होती है, पर आप उस खानदान की बुनियाद हैं। इमारत ढाने वाले बुनियाद के पत्थर वही छोड़ जाते हैं। एक बार जिद छोड़ दीजिए बहू जी। उन्होंने कुछ छोड़ा? अपना रास्ता बदला? अपना अहंकार छोड़ा? नहीं नहीं, वो तो उस दिन के इंतजार में है जब वे जेल से निकल के अपने दुश्मनों से बदला लें। और बदले की दोधारी तलवार से एक दिन वो खुद भी कट जाएंगे। एक बार मैं अपने दो बेटे तो गवा चुकी हूं, अब अपना आखिरी सहारा नहीं खोना चाहती मैं। जाओ जाओ, जाके कह दो अपने लाला से कि मैं अब भी उनका वही इंतजार कर रही हूं जहां उन्हें आना था। तो अंजना ने हमारे बेटे को हमारा नाम तक नहीं बताया। जिद्दी है ये तो हम जानते थे, लेकिन ऐसी पत्थर हो जाएगी ये हमने कभी नहीं सोचा था। क्या बताऊं लाला, हमने बहुत खुशामद की बहू की, लेकिन ठीक है इकबाल, बेटे को उसी ने पाला है, उस पर हक भी उसी का है, हमारा क्या हक? Thank you.
अब हमारे पूरे दिन खत्म हो गए, पढ़ाई खत्म और कमाई शुरू। देख मां, जितनी तकलीफें तूने मेरे लिए उठाई हैं उससे ज्यादा खुशियां मैं तेरे कदमों में डाल दूंगा। बस एक बार बॉम्बे पहुंच जाओ। क्या हुआ मां? तू बॉम्बे नहीं जाएगा। क्या दुश्मनी है तुम्हारी बॉम्बे से मां? बॉम्बे का नाम देखते ही अखबार फेंक देती है, टीवी बंद कर देती है। आखिर बॉम्बे ने छीना क्या है तुम्हारा? जो कुछ मेरा छीना है उसके बाद इंसान में जीने की हिम्मत भी नहीं रहती। लेकिन मैं सिर्फ तेरे लिए जिंदा हूं। और अभी तू इतना समझदार नहीं हुआ है कि मेरे नुकसान का अंदाजा भी लगा सके। बस, और कुछ मत पूछना। बस। नहीं पूछूंगा, लेकिन मुझे जाने दे मां। मां वो बड़ी नगरी है, बड़े मौके हैं, और वहां मेरा दोस्त भी रहता है, लखपत। लखपत?
जय हो, जय हो मुरली वाले, जय हो। आ हा हा हा, कितने सुंदर लग रहे हो, वाह। आपके दर्शन पाके मैं तर गया कृष्ण कन्हैया। ए भाई, क्या है वहाँ? साक्षात भगवान। ए देवकी नंदन। ए भाई, कहाँ है भगवान? वो देखो ऊपर बिल्डिंग की टेरेस पर, वो देखो, वो ओरे ओरे। नजर तो नहीं आ रहे? कहाँ है, मुझे भी नजर नहीं आ रहे। सुना प्रभु, इन अक्कल के अंधों को आप नजर नहीं आ रहे। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? आप हरामियों को दर्शन नहीं देते? अरे ये क्या, मुझे तो नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे नजर आ रहे हैं। धन्यवाद। वाह प्रभु वाह, कल्याण हो गया, आपने इन बच्चों को दर्शन दे दिए, कल्याण हो गया। क्या क्या करें, मंदिर बनवाए? कहाँ, इस जगह पे? ना प्रभु ना, अगर यहाँ पर मंदिर बनवाया तो खैर ना ताकत तोड़ देगा। क्या आप उसका ट्रांसफर करवा देंगे? हाँ फिर ठीक है, लेकिन प्रभु आपका ये भगत तो बहुत गरीब है। ठीक है, फिर भी जो बन पाएगा मैं करूंगा प्रभु, मैं जरूर करूंगा, मंदिर इधर जरूर बनाऊंगा प्रभु। जय हो प्रभु की जय हो, जय हो। मेरे पास तो बस यही 2 रुपए हैं। क्या और कहां से आएंगे? आप चिंता मत करो प्रभु, बहुत दयालु लोग हैं इस शहर में, बहुत दयालु लोग हैं। हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। वाह प्रभु वाह, 1 महीने का राशन पूरा हो गया, क्या लीला है तेरी मुरलीधर, वाह। अव्वलदार मुरलीधर, पिटूंगा मुरलीधर। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ। अभी तक तो कोई पुलिस बैंड नजर नहीं आ रहा, लगता है तुम्हारा भाई नहीं आएगा। सानी, जय हर हाल में आएगा। किरी, जय, देखा? ओ जय। हाउ आर यू? वैसे ही, मैं सताने के लिए तैयार। चलो। जय, कम मीट माय फ्रेंड सानी। जय। हाय। हाय सानी, चलो चले। चलो कम ऑन, चलो। नहीं भाई, फिर कभी मुलाकात होगी। क्यों, हमारे घर चलो ना। किरण, तुम जानती हो कि मैं बॉम्बे एक मकसद से आया हूँ। अच्छा, दुश्मनों से बदला लेने या खोए खानदान को खोजने? मजाक कर रहा हूँ, एक्चुअली आई एम अ पुलिस ऑफिसर, कम ऑन। नहीं भाई, मैं तुम्हारी तरह खुशनसीब नहीं हूँ, माँ के सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। See you. Bye. Okay. किरी, तुम्हारा दोस्त समझ में नहीं आया, कभी कहता है इस दुनिया में माँ के सिवा मेरा कोई नहीं है, और मुझे बार बार भाई कहता जा रहा है। एनीवे, कम ऑन किरी। होले 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 होले। ये तो मेरे को आधा क्यों दिख रहा है, थोड़ा इधर आ, इधर। हाँ,
लखपत, मैं सनी। सनी मेरा बचपन का दोस्त सनी। नेवर चीट फॉर मनी, नहीं तो ये हालत हो जाएगी। नेवर चीट। तू कब आया? मैं आ जाया। तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? एक मिनट सनी, सनी, सनी मेरे दोस्त। वो क्या है, मैं यहाँ पे जनसंपर्क अधिकारी हूँ। हैं? यानी के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। अपना वास्ता सिर्फ जनता के साथ ही चलता है। अगर जनता का मूड अच्छा है तो अपना मूड भी अच्छा है, और अगर जनता का मूड खराब है तो ये हालत हो जाती है। क्या करें दोस्त, अपना काम ही कुछ ऐसा है। मैं भी यहाँ काम ढूंढने आया, तू मेरे को काम दिला सकता है? अरे शहर में दौलत ही दौलत है, सिर्फ कमाने का स्टाइल आना चाहिए। मैंने तो ईमानदारी नहीं। वो किस चिड़िया का नाम है? हेलो। हाय शिल्पा, मैं राज बोल रहा हूँ। हाय राज, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। चलो एक काम करते हैं शिल्पा, आज रात का डिनर एक साथ कपड़ चिमनी में करते हैं। ओह कम ऑन शिल्पा, बी अ स्पोर्ट। ठीक 8 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाय, सी यू। ये शिल्पा कौन है? एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का नाम है शिल्पा। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारा उसके साथ क्या संबंध है? जरूरत से ज्यादा पूछना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, और जरूरत से ज्यादा तुम्हें बताना मेरे लिए जरूरी नहीं है। क्या लोगी? जब तुम कह रहे हो यहाँ का खाना बहुत अच्छा है तो तुम ही ऑर्डर कर दो। मेहमान की पसंद। मेजबान की पसंद। एक्सक्यूज मी सर। थैंक यू सर, आपके लिए फोन है। मेरे लिए? यस सर, मैं भी आया। ओके। Come on यार, that's not fair. आने में थोड़ी देर हुई और तुम घर से गायब। घर गया तो पता चला कि तुम यहाँ हो। चलो कहीं और चलते। जी, मैं किसी के साथ आई हूँ। आई थी। Don't waste such a romantic evening indoors. चलो बाहर का वेदर देखो कितना रोमांटिक है, बाहर चलते हैं। जी एक सेकंड, मेरी बात तो सुनो। जो कुछ भी कहना बाहर कहना, वो भी मेरे कानों में। वैसे आई नो यू लव मी वेरी मच, बट आई लव यू वेरी मच टू। आई लव यू। एक सेकंड ना, वो मुझे कुछ नहीं सुना। लव यू लव यू लव यू। अच्छा हमको आज प्यार में।
सी सर्दी है, थोड़ी सी गर्मी है, गालों से टपके पसीना। थोड़ी मोहब्बत है, थोड़ी शरारत है, दीवानगी का महीना। थोड़ी सी सर्दी है, थोड़ी सी गर्मी है, गालों से टपके पसीना। खुशबू शबाब की है पहली बहार में, बेकरार हो रहे हैं हम तो आज प्यार करें साहब।
अब पेट तो भर गया, अब क्या? अगर मैनेजर ने टोपी पहनी तो ठीक है, नहीं तो बर्तन मांझने पड़ेंगे। आइडिया तुम्हारा था, बर्तन तुम मांझना, मैं नैपकिन से पहुंच लूंगा। ठीक है, जल्दी चल रही। स्पेशल क्राइम अधिकारी मिस्टर वाघमारे। हेलो सर। साहब खाना कैसा लगा? खाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये बताओ तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है? सर अपनी रेपुटेशन है सर, सारा रेस्टोरेंट फुल रहता है, बिकॉज वी हैव ए गुड क्वालिटी एंड सर्विस सर, रेयर कॉम्बिनेशन। इसी चीज का लोग फायदा उठाते हैं। कैसे? आपने सुना है कि मार्केट में 50 के नकली नोट घूम फिर रहे हैं? हाँ सुना तो है सर। आपने चेक किया? जी वो दरअसल बात यह है कि फुर्सत ही नहीं मिली। हाँ मैनेजर साहब कुछ 50 के नोट सैंपल के लिए दे दीजिए। ये लीजिए साहब। इतना ही है? हाँ। गुड। हवलदार जरा बाहर जाकर चेक करना कि गाड़ी आई है या नहीं। हाँ भक्तो, ये 24 नोट है। हाँ साहब। 100-100 के 12 नोट दे दो। अच्छा साहब जल्दी। अच्छा ये लीजिए 12 नोट। और ये लीजिए आपकी रिसीट, कल शाम को पुलिस स्टेशन आकर इंस्पेक्टर जैसे मिले। ओके सर। हवलदार खाने का बिल दे दो। ये लीजिए। पैसे देने की क्या हिसाब हिसाब है? 4 दिन का भूखा है, पन बिगड़ा मानूस, किसी का खाया नहीं। ठीक है। नो रेस्ट डुप्लीकेट। ये लीजिए सर। जातो साहिल। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं होटल मैनेजर हूँ। वो 50 के नोटों का क्या हुआ? 50 के नोट? कैसे 50 के नोट? कमाल है, अच्छा तरीका है। पहले पुलिस वाले आकर कहते हैं कि नकली नोट चल रहे हैं, और सैंपल के नाम पर नोट लिए और हजम। देखिए साहब मैं गरीब आदमी हूं, मुझे जेब से भरने पड़ेंगे। अगर आपको हफ्ता ही लेना है तो मालिक से। शट अप। किसने लिया आपसे हफ्ता? आपके ऑफिसर ने। हमारे ऑफिसर ने? हाँ, मुझसे नोट लिया और कहा कि मैं चेकिंग करवा के लाता हूँ, और ये भी कहा कि मिस्टर जय से मिल लेना। क्या उन अफसरों को पहचानते हो? जी नहीं, दोनों इंस्पेक्टर और हवलदार दोनों ही नए थे। यानी कोई गैंग ऑपरेट कर रहा है। अब बताइए, पुलिस वाले दुकान दुकान जाकर देखें कि बाजार में कितने नकली नोट छप रहे हैं। इट्स अ वेरी बैड वेरी सैड सिचुएशन इन द कंट्री सर। इस मुल्क के अंदर हर चीज नकली, जिस चीज को हाथ लगाओ वो ही नकली। यस हवलदार चकमा सिंह, आजकल तो पुलिस भी नकली होने लगी है। मैनेजर साहब एक काम कीजिए, आप मुझे सैंपल के लिए 10 50 50 के नोट दे दीजिए, अभी पता चल जाएगा कितने नकली नोट से मार्केट में। थैंक यू। क्या है? मैनेजर ये नोट नहीं, पुलिस वाले नकली है। पिटेंगे पिटेंगे। ये नोट रख लीजिएगा। यस सर। और आइंदा संभाल के। क्या बात है ऑफिसर, तुम यहाँ? आज तो मैंने कोई गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई। जानता हूँ, लेकिन आज आपके घर में कोई चोर घुसाया है। ओह रियली? मगर ये तो आपका घर है राज साहब, कानून यहाँ से किसी तरह की मदद की उम्मीद नहीं रख सकती। आइए अंदर आइए। मेरे बारे में तुम हमेशा गलतफहमी का शिकार रहे हो ऑफिसर, इसलिए शायद ये इल्जाम लगा रहे हो। देखो मैं कानून का एक दोस्त हूं। वैसे कौन है ये चोर? आज छोटे छोटे जुर्म कर रहा है वो, कल शायद बड़े बड़े करेगा, खास करके आप जैसे बड़े भाई का हाथ हो उसके सर पर। ऑफिसर हाथ तो मैं तुम्हारे सर पर भी रख सकता हूं, मगर तुम मुझे बड़ा भाई मानोगे कब? खैर तुम्हारा अंदाजा मेरे बारे में गलत था।
इसी की तलाश थी ना। थैंक यू मिस्टर राज। यू वेलकम। कोई बात नहीं ब्रदर, मैं इसे याद रखूंगा। देखा ऑफिसर, जब एक शरीफ आदमी कानून की मदद करता है तो उसे धमकियां सुननी पड़ती हैं। डोंट वरी, मैं इसे ऐसे कर दूंगा कि वो जिंदगी भर आपको आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। और तुम भी ऑफिसर, जब भी इस घर की तरफ आंख उठाकर देखो तो वो नजर शक की नहीं भरोसे की होनी चाहिए। यहां साइन कर दीजिए। इसे कहते हैं तुम्ही ने दर्द दिया, तुम्ही दवा देना। जाइए सनी साहब, आपकी जमानत राज साहब ने दे दिया। चलो सनी। राज साहब, एक मिनट, एक बात मुझे समझ में नहीं आई। कल आप ही ने मुझे गिरफ्तार करवाया और आज आप ही मेरी जमानत दे रहे हैं। कल कानून की मदद की थी, आज एक इंसान की मदद कर रहा हूं। तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता तो है नहीं, ना तुम मेरे दोस्त हो ना भाई हो, फिर भी ऐसा लगा कि कहीं पुलिस के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। थैंक यू। अब थैंक यू के अलावा और क्या कह सकता हूं मैं? मुझे कुछ कहना है। कानून अपना दोस्त है, उससे भागो मत, गले लगा लो, फिर जहां से चाहो दबा लो, घुमा लो। बहुत ही लचीला है अपना कानून। एक बात मेरी भी सुनते जाओ सनी, हर उस्ताद द्रोणाचार्य नहीं होता। कुछ उस्ताद अंगूठे की बजाय गर्दन भी मांग लेते हैं गुरुदक्षिणा में। सलाह का शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, दोबारा हमारी मुलाकात कभी नहीं होगी। जिसकी उंगली पकड़कर तुम चल रहे हो सनी, उसके रास्ते यहीं आते हैं। हमारी मुलाकात बार बार होगी, मुझे यकीन है। इंस्पेक्टर जय, ये आग से खेलने का शौक कहां से पैदा हो गया तुम्हें? बार बार मौत से मिलने की ख्वाहिश अच्छी नहीं होती। ख्वाहिश तो सभी रखते हैं राज साहब, पूरी किसकी होती है ये वक्त बताएगा। क्या बात है, किसका तार है? मां का। सब ठीक तो है? गरीब के घर में सब ठीक हो तो गरीब कैसा लगता था? गरीबी के साथ साथ मायूसी, भूख और बीमारी, हमारे घर में तीनों है। माजी को पैसा भेजना है? नहीं लखपत, माजी को बॉम्बे लाकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना है, उनकी तबीयत बहुत खराब है। बोल, मां को कब लाना है, शहर के किस डॉक्टर को दिखाना है? लखपत, यह हमारे पेट का नहीं, मेरी मां की जिंदगी का सवाल है। तुम तो ऐसे बात करो जैसे रात को छत पटेगी और दौलत गिरेगी। यार तू हर बार क्यों भूल जाता है लखपत की टोपी? आज तक सादी टोपी चल रही थी, अब चलेगी मखमल की टोपी। मैनेजर किधर गया? इधर हूं। सर शट अप, इस फटीचर डिस्को में लेकर आया मेरे को, मेरी इज्जत का फलूदा बनाकर उस गधे को खिलाएगा। साला इधर तो कोई नहीं है, मेरे को गडेरा बोलता है। ये गधा? सर आप मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनो, तू सेक्रेटरी है या ये तबेले जैसे हॉल का मैनेजर? हाँ साला ऊपर से इधर झगड़ा करता है। सर आप प्लीज, आप प्लीज, आप मेरी बात तो सुनिए। क्या बात सुनो, शाहरुख खान और संजय दत्त क्या घिसे पिटे सड़े बदबूदार हॉल में शो करेंगे? एक्सक्यूज मी, नो एक्सक्यूज मी। माना कि शाहरुख हमारे साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट में गिली डंडा खेलता था, फिरोज शाह कोटला में कबड्डी खेलता था, लाल किले पर पतंग उड़ाता था। जिंदगी खेलता था तो हीरो कब बना? अरे सर्कस में काम करके। लेकिन मुझसे पूछेगा ना कि भाई शो किधर है, मैं क्या बोलूंगा, तबेले में? एक्सक्यूज मी, नो एक्सक्यूज मी। सर इस तबेलों को चेंज किया जा सकता है, दीवारों पर पेंट किया जा सकता है, कुर्सियों का कपड़ा चेंज किया जा सकता है। अरे खर्चा कौन देगा? मैं देगा। एक्सक्यूज मी, नो एक्सक्यूज मी। पोस्टर कौन छापेगा? मैं छापेगा। एक्सक्यूज मी, नो एक्सक्यूज मी। पेपर में ऐड कौन देगा? मैं। सर जो इस थिएटर के अंदर शो करेगा, इतना बड़ा शो शाहरुख खान और संजय दत्त का, क्या वो पेपर में ऐड नहीं देगा? कौन? मैं देगा,
मेरे को माफ करना। कोई माफ नहीं करना। अरे भाई इस तबेले में शो करने के लिए 25,000 का एडवांस कौन देगा? मैं देगा। नो एक्सक्यूज। माफ कीजिएगा वो बिल्कुल माफ नहीं करेगा। साला तुम दोनों ने हमको गधेरा बोला, हमारे थिएटर को भैंस का तबेला बोला, ऊपर से बोलते हैं माफ कर दो, नहीं करेगा। लेकिन शाहरुख खान दीवाना, संजय दत्त खलनायक का शो हमारे थिएटर के अंदर होना च मांगता है। सुपरहिट शो। सर उसकी टोपी इसके सर, कभी इधर तो कभी उधर, कभी उधर तो कभी इधर। टो 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 टोपी टोपी टो 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 टोपी टोपी टो 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 टोपी टोपी टो 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 टोपी टोपी। हम है टोपी बाज, इसकी
की टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, कभी इधर तो कभी उधर, कभी उधर तो कभी इधर। डॉक्टर साहब, कम इन सनी। बैठिए। डॉक्टर साहब, ये मेरी माँ है। हेलो। नमस्ते। इनका चेकअप करवा दीजिएगा प्लीज। फाइन। अब आपकी रिहाई में कुछ ही दिन बचे हैं। बहुत दिनों से एक बात कहना चाहता हूं। कोई इकबाल, एक तुम ही तो रह गए हो कहने और सुनने वाले। मैं कह रहा था कि धूल डालिए पुरानी बातों पर, परायों की जान लेते हैं तो अपनों की जान भी तो गंवानी पड़ती है। बस यहां से निकलकर मालकिन और छोटे बाबा के साथ चैन की जिंदगी गुजारी। नहीं इकबाल, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे हमने वक्त के मरहम को भी अपने जख्मों को भरने की इजाजत नहीं दी। आज तक कुरेद कुरेद कर हरा रखा उनको, उनका इलाज, उनका इलाज होगा तो अपने बेटे के कातलों के खून से होगा, सिर्फ अपने बेटों के कातलों के खून से। कौन है? मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, 18 साल से कांटे की तरह चुप रहा है मुझे। बाबा, आपका दुश्मन और 18 साल जिंदा रहा। कानून के पनाह में था, उसकी सजा खत्म हो गई, कानून की सजा। अब बाबा की सजा शुरू होगी। फिर देर किस बात की है? उछालिए सिक्का। इसके लिए सिक्का नहीं उछलेगा। राज, आज तक मैं किसी दुश्मन के लिए इतना नहीं तड़पा, क्योंकि मैं जानता था सिक्का उछालूंगा और तुम उसका नामो निशान तक मिटा दोगे। लेकिन ये मुझे जिंदा चाहिए। कहां मिलेगा? कल सुबह जेल से निकलेगा। लाला, राज साहब, जेल के बाहर क्या कर रहे हैं आप? तो क्या अंदर होना चाहिए? कोई रिश्तेदार बाहर आने वाला है? हो सकता है कोई बेगुनाह और मासूम दोस्त हो जो पुलिस के चक्कर में फंस गया हो। हर अपराधी खुद को मासूम और पुलिस को जालिम ही समझता है। क्या बात है इंस्पेक्टर, पुलिस वाले शराफत की भाषा समझते ही नहीं है क्या? शरीफों से वास्ता ही कहां पड़ता मिस्टर राज। वैसे ये गाड़ी चोरी हो चुकी या होने वाली है? पता लगा लीजिए। कुड आई यूज योर फोन? श्योर, व्हाई नॉट। पुलिस की मदद करना हर शहरी का फर्ज है। गुड। सब इंस्पेक्टर चाहिए। MH01785, गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट लिखाई गई थी। ओके, थैंक यू, थैंक यू। हो गई तसल्ली फिलहाल। एंड ऑल द बेस्ट मिस्टर राज। Thank you.
अनजाने में या इत्तेफाक से सही, मगर आज तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। 18 साल जेल की काल कोठड़ी में आज ही के दिन के इंतजार में गुजारे हमने, क्योंकि बाहर निकलकर बहुत जरूरी काम करने थे हमें। दुश्मन ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन तुम्हारी वजह से हमें अपनी जिंदगी का मकसद पूरा करने का मौका मिल गया। लाला हा? लो 50,000 रुपए तुम्हारा इनाम। बस सिर्फ 50,000? जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती बेटे, इसलिए जिंदगी की कोई कीमत नहीं चाहिए मुझे। बहादुर भी हो और चालाक भी, लगता है कोई रास्ता नहीं मिला। मांगो। क्या मांगते हो? काम। बस कीजिए बाबा, बस कीजिए। छोड़ दे राज, मुझे छोड़ दे। मैं नाकामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे डोगरा की चीखें सुननी थी, उसे रहम की भीख मांगते हुए देखना था। वो चिल्लाएगा बाबा, वो आपसे रहम की भीख मांगेगा। मैं आपकी कसम खाता हूं, आपकी कसम खाता हूं बाबा।
यहाँ? घर चलो किरण। पर क्यों? You know Sunny, don't you? तुम दोनों एक बार मिल भी चुके हो? कई बार मिल चुका हूँ इस लफंगे से। हम पुलिस वाले ऐसे चोर उचक्कों को मिलते रहते हैं। कैसी बातें कर रहे हो जय? सनी मेरा दोस्त है। दोस्त था और वो तुम्हारी गलती थी। आज के बाद तुम उसे कभी नहीं मिलोगी। And hey, you, mister. Hey. तमीज से बात करो। शराब चलो। This is too much, Jay. मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? तुमने मेरे दोस्त की इंसल्ट की है। तुम्हें इससे माफी मांगनी होगी। चलती हो घर या तुम एक पापा। तुम्हारे धमकी से मेरा फैसला नहीं बदला। तुम अभी मेरे साथ घर चलोगे। तुम किस हक से मुझ पर ये हुक्म चला रहे हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई? My foot! तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई अपने बड़े भाई से इस तरह बात करने की? पापा, आपने एक गैर आदमी के लिए अपनी बेटी के मुंह पर तमाचा मार। शट अप! जय, जय मेरा बेटा है। होगा आपका बेटा, मेरे आपके इस बेटे के साथ कोई रिश्ता नहीं है। कहां से हो गया ये बेटा आपका? सड़क से तो उठाकर लाए थे, आपका खून तो नहीं है? किरण, किरण अब एक भी लफ्ज और मुंह से निकाला तुम्हें मार डालिए। मगर मैं बोलूंगी, मैं आपकी बेटी हूं पापा। हमारे टुकड़ों पर पलने वाले इस आदमी को मेरी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है। तुम अपने होश में नहीं हो। अपने कमरे में जाओ और जब होश में आ जाओ तब मुझसे बात करना। I can't believe और एक बात याद रखो, इस बदतमीजी के लिए तुम्हें सजा मिलेगी। Now get out of my sight, get out, go in. कहां जा रहे हो? अपनी असलियत जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है, वरना खुद को नहीं पहचान पाऊंगा। तुम्हारी असलियत सिर्फ इतनी है कि तुम मेरे बेटे हो। एक दयावान ने अनाथ को दी है यह पहचान। मैं तो यह भी नहीं जानता कि मेरा नाम असली है या वो भी आपकी देन है। मुझे जाना होगा खुद से असलियत का रिश्ता जोड़ने। इसका मतलब तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं? किसी की नादानी के एक ही झटके से सब रिश्ते टूट गए। पुजारी से देवता का रिश्ता कैसे टूट सकता है? लेकिन पुजारी हमेशा मंदिर में रहे ये जरूरी तो नहीं। हाँ, तुम्हारे लिए तो सिर्फ एक छत एक घर छूट रहा है, लेकिन मैं, मेरा क्या होगा? मुझसे तो मेरा बेटा छूट रहा है। I'm sorry, papa, but I have to go.
जाओ, बस एक कदम बढ़ाकर घर की दहलीज फैलाओ, जाओ सारे रिश्ते टूट जाएंगे। लड़ाई मुझसे हुई है, मेरी तरफ देखो, बड़े भाई बनते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, गिरी तेरे लिए ये करूंगा, तेरे लिए वो करूंगा, तुझे अपने हाथों से सजाकर डोली में बिठाऊंगा, माय फुट लाओ वो सारे धागे वापस कर दो जो हर साल मैं इस कलाई पर बांधती आ रही हूं, जानती हूं मैं तुझे वो सारे धागे अपने पर्स में संभाल के रखे। अरे जो आदमी अपनी बहन की एक गलती को माफ नहीं कर सकता वो उसकी रक्षा की सौगंध को क्या निभाएगा? गलती किससे नहीं होती है, भगवान से भी हुई है। उसने मुझे तुम्हारी सगी बहन क्यों नहीं बनाया? गिरी, किरण सिंह कहो, गिरी सिर्फ मेरा भाई जय कहता है। देखो गिरी, ज्यादा रुलाओगी ना तो दूंगा एक लाफा, तू मेरी बहन है, नानी नहीं। वाह वाह बेटा वाह, अच्छा खेल है भाई बहन के झगड़े और प्यार का, लेकिन इस बाप का तो कलेजा ही फट जाता ना। मेरी सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, ये मिनिस्टर का जन्मदिन है, सिक्योरिटी होगी, फिर भी तुम्हें होशियार रहना है, जरूर पड़ने में मुंह से आवाज नहीं, रिवॉल्वर से गोली निकलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों के बीच गोलियों की क्या जरूरत? एक बात का ध्यान रखना, इस दुनिया में खुद को छोड़कर किसी पे भरोसा मत करना। हमने एक बार ये गलती की थी, आज तक उसका हिसाब चुकाना बाकी है। इसका मतलब आप मुझ पर भी भरोसा नहीं करते? जिनके खून में वफादारी होती है वो गद्दारी के बारे में सोच भी नहीं सकते। डोगरा, चलो तुम इतने बड़े तो हुए कि हमें हमारा नाम लेकर पुकारने लगे। मेरा कद नापने के लिए तुम्हें रोका नहीं है डोगरा, यह बताने के लिए रोका है कि मैंने तुम्हारे मौत का दिन तय कर लिया, बस थोड़े दिन बाकी। मगरूर तो तुम थे ही, खुदा कब से बन गए? और थोड़े दिन तो बहुत होते हैं बाबा, इन थोड़े दिनों में मैं तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूंगा। ऐसे दो दिशाएं एक साथ। कहीं कोई टकराव तो नहीं होने वाला? कब आए लाला जेल से? कमिश्नर, दिन तो तुम भी गिनते रहे हो, मेरी सजा तो पूरी हो गई लेकिन मेरे दुश्मनों की सजा भी बाकी है। चलो बेटे। लाला, मेरे बेटे से नहीं मिलोगे? इसे भी दोस्त की पीठ में खंजर भोंकना सिखा दिया या नहीं? एक्सक्यूज मी। चलो
मातमगर है जिसको नहीं डर है, जुल्मों का राजा है जो, जिसकी निगाहों में जिसकी पनाहों में जुल्मों का इंसाफ हो। क्यों पहना ये? राजे, किसने कह दिया तुमसे कि ये तुम्हारे लिए है? राज, आज तक इस घर में जो भी सेवा तुम लाए हो वो तो मेरे लिए होता था ना? हाँ, होता था, और शायद आइंदा भी होगा, मगर ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये शिल्पा के लिए है? हाँ, शिल्पा के लिए।
मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। शिल्पा किसी और से प्यार करती है। तुम कुछ ज्यादा ही मेरी जिंदगी में दखल देने लगी हो। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी से मेरी जिंदगी जुड़ गई है। सारी नहीं, सिर्फ कुछ वक्त, हर दिन थोड़ा थोड़ा। वही थोड़ा थोड़ा वक्त मिलकर जिंदगी बन गई है राज। तुम्हारी दी हुई एक जिंदगी मेरे अंदर पल रही है। देखो ज्योति, अगर यह हार तुम्हें इतना ही अच्छा लगा है तो ऐसा ही एक हार मैं तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा, मगर ये जाल वाल बिछाने की कोई जरूरत नहीं। जाल शिकारी बिछाते हैं राज, मेरे जैसे शिकार नहीं। हर रात तुम्हारे जिस्म की हरारत सहन की है मैंने। अंजाम ये ना होता तो क्या होता? अब क्या होना चाहिए ये मैं तुम्हें बताता हूं। ये लो। देखो ज्योति, गलती मैंने की है इसलिए जुर्माना भी मुझे ही भरना चाहिए। तुम एक काम करो, किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाओ और उसे कहो कि तुम्हारे पेट का बोझ और मेरे गर्दन का फंदा हल्का कर दे। इट्स ब्यूटीफुल। तुम्हारे लिए राज, लगता है कहीं कोई बात अनकही रह गई है, इसलिए हमारे रिश्ते उलझे उलझे से लग रहे हैं। जो बात अनकही है उसे मैं कह देता हूं, फिर हमारा रिश्ता बिल्कुल सुलझ जाएगा। शिल्पा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। ओह माय गॉड राज, I don't know how to explain it to you. उसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है आज और इसी वक्त। देखो राज, तुमने मेरी जान बचाई, बदले में मेरी जान मांग सकते हो। तुम्हारा एहसान है, कर्ज है मुझ पर। तेरा प्यार छोड़कर कोई भी कीमत लगा सकते हो, क्योंकि मेरे प्यार पर किसी और का हक है, जो तुमसे मुलाकात से पहले किसी को दिया हुआ है। आज तक तुम जानबूझ के क्यों अनजान बनी रही? आखिर कमी क्या है मुझ में, क्या खराबी है मुझ में? खूबियां भी तो नहीं है राज साहब। कमियां और खराबियां ये सीधी सादी लड़की क्या जानेगी? और फिर राज साहब, आप तो कानून को भी बड़ी आसानी से धोखा देते आ रहे हैं। ये बेचारी शिल्पा क्या चीज है? जय, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम राज को अच्छी तरह जानता हूं। तुमने आज तक नहीं बताया कि ये तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, और आज इनकी ये हिम्मत हो गई कि शादी का प्रपोजल ले आए। इंस्पेक्टर, बार बार मेरे रास्ते में क्यों आते हो तुम? Shut up and get out. दोबारा मेरे मंगेतर के साए से भी दूर रहना। और हाँ मिस्टर राज, हम पुलिस वालों के पास बड़े काम का हथियार होता है एनकाउंटर, ना रिपोर्ट ना इंक्वायरी। हथियार तो हमारे पास भी है, वो जब चलता है तो रिपोर्ट भी होती है और इंक्वायरी भी, बस उसके बाद कुछ नहीं होता। उछालना पड़ेगा, तुम्हारे नाम का भी सिक्का उछालना पड़ेगा। आउट। He's a madman. Jay, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? हाँ। Don't worry. हाँ बेटा, हाँ, किस राक्षस ने यह हाल किया है इस मासूम का? भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा।
डॉक्टर, डॉक्टर, बेटा, बेटा, डॉक्टर, डॉक्टर, संभाल के, संभाल। भगवान, इस बच्चे की रक्षा करना। अंकल, कैसा है मेरा बेटा? ऑपरेशन थिएटर में है। पापा, मेरा जय, मेरा भाई पापा। हिम्मत से काम लो बेटी, हमारे जय को कुछ नहीं होगा। ये हुआ कैसे बेटा? पता नहीं अंकल, हम लोग आ रहे थे और अचानक गोली चली। पापा, आई वांट दैट बास्टर्ड अरेस्टेड इमीडिएटली, जिसने मेरे भाई को। डू समथिंग पापा। हाँ बेटा, हम पता लगाएंगे उसका। डोगरा, तकलीफ हुई ना औलाद की जान जाते हुए देखकर? शुक्र करो परमजीत कि तुम पागल नहीं हो गए। मैं हो गया था अपनी औलाद को जलता और मरता हुआ देखकर। 18 साल उस आग की लपेट में चला हूं मैं, 18 साल। तो आज जाकर वो आग यहां इस कलेजे में जो जल रही थी वो ठंडी हो गई जब मैंने अपने बच्चों के कातिल के बेटे को गोली मार दी। तूने लाला, तूने मेरे जय को? हाँ, मैंने, डोगरा ने, लालचंद डोगरा ने अपने बच्चों के खून का बदला ले लिया। एक बाप ने अपनी औलाद के खून का बदला ले लिया। कितना बदनसीब बाप है तू लाला, बदले की पट्टी आंखों पर बांधकर अपने ही बेटे पर गोली चला बैठा। तूने अनर्थ कर दिया लाला। अरे, तेरी औलाद को कलेजे से लगाकर रखा मैंने और आज तूने उसी कलेजे को चीर दिया। चाहे तेरा बेटा है लाला, तेरा। मेरा? नहीं, तू झूठ बोलता है, झूठ बोलता है तू। बहुत अनर्थ किया तूने, बहुत अनर्थ किया। चाहे मेरा बेटा नहीं, तू झूठ बोलता है। सबूत है मेरे पास। ले लाला, ये एल्बम देख, कदम कदम पर बढ़ते हुए जय को देख। ले लाला, ले ले। You are under arrest, Lala. सनी, क्या हुआ माँ? न जाने क्यों जय को एक बार मिलने को दिल करता है। चला तू भी मिल ले। आइए माँ जी, आइए ना, आइए। बैठे ना माँ जी। तुम्हारी तबीयत कैसी है? अस्पताल आते ही आपकी गोद में गिरा था, तो फिर भला मौत क्या मुझे? नहीं बेटे, नहीं, ऐसी अशुभ बातें मत करो। मैं तो बड़ी अभागी माँ हूं। नहीं, माँ कभी अभागी नहीं होती। अभागी तो
औलाद होती है। ये मेरा बेटा है सनी। चलो मां, हॉस्पिटल के बिल देने हैं, डॉक्टर से बात करनी है। अच्छा बेटा, जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं मिलने आऊंगी, भूल मत जाना। कैसे भूल जाऊंगा मां, मां की गोद के नाम पर पहली बार आपकी गोद मिली। खुश रहो। मां आप यहां बैठिए, मैं जरा बिल भर कर आता हूं। अच्छा बेटे। सिस्टर मेरी मां का डिस्चार्ज हो गया, उनका बिल बना दीजिएगा। अरे आप, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? मैं अपनी मां को लेने आया था, वो बैठी हैं। अच्छा अच्छा, चलिए मैं आपको उनसे मिलाता हूं। नहीं मैं जरा जल्दी में हूं। अरे नहीं, मैं मुझे किसी से मिलना है। अरे एक सेकंड सर, मेरी मां आपको मैं जरा। कौन था? हुई तकलीफ, हुई तकलीफ, अभी तो तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तेरे शरीर से खून की एक एक बूंद बह जाएगी। बह जाने दे मेरे खून के एक एक कतरे को, मेरे शरीर से अहंकार और नफरत का जहर निकल जाएगा। इस अहंकार ने बहुत अनर्थ कराए मुझसे, मुझे शुद्धि मिल जाएगी। मर मर बेटा मर। बेटा नहीं हूं मैं तेरा। हाथ रोक क्यों लिया? थक गया है तो थोड़ी देर आराम कर ले, मैं मरूंगा नहीं तब तक। मैं वादा करता हूं बेटा, मैं मरूंगा नहीं। कुछ याद आया डोगरा? याद आया कुछ? याद आया। तुझ जैसे सांप को दूध पिलाने की गलती याद आई। इतने कोड़े खाने के बाद तुझे ये याद नहीं आया कि मेरे बाप की एक छोटी सी गलती पर तूने मुझे ही मेरे बाप पर कोड़े बरसाने पर मजबूर किया था? उस वक्त ताकत तेरे पास थी, आज मेरे पास है। मेरे बाप की तो एक छोटी सी गलती थी, लेकिन तू तो मेरे बाप की मौत का जिम्मेदार है। डोगरा 18 साल तक इसी दिन के लिए मैंने तेरे बेटे को पाल के रखा है। राज तेरा बेटा है डोगरा। नहीं, हाँ तू झूठ बोलता है, झूठ बोलता है तू। हाँ नहीं, झूठ बोलता है तू, तू झूठ बोलता है, झूठ बोलता है तू। 18 साल तक सांप के बच्चे को गले में डालकर घूम रहा हूं मैं डोगरा, 18 साल तक। तेरे बेटे के हाथों तेरी खाल उधड़वाने के लिए आज मेरा इंतकाम पूरा हो गया, पूरा हो गया मेरा इंतकाम। सनी, इकबाल, मालकिन आप? तुम यहां कैसे इकबाल? मैं तो सनी से मिलने आया था। क्या काम है मेरे बेटे से? बहूजी, सनी बाबा आपके बेटे हैं? शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, सनी सिर्फ मेरा बेटा है। इकबाल चाचा, अच्छा आप आ गए, मैं बंगले पर गया था लेकिन सेठ जी वहां थे नहीं। बेटे मैं तुम्हें बताने आया हूं कि लाला को, बेटे लाला को बाबा ने उठवा लिया है, और बाबा बहुत कमीना आदमी, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूं। तो जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ, लेकिन तू कहीं नहीं जाएगा। तुमने सुना नहीं, तुम्हारे सेठ की नौकरी मेरा बेटा छोड़ चुका है। बहूजी नौकरी छोड़ दी, लेकिन बाप की जान बचाना तो औलाद का फर्ज है।
को क्या कह रहे हैं आप? हां बेटे, लाला ही तुम्हारे बाप है। बोलती क्यों नहीं? हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं, आज तक तो मेरे नाम से जाना गया है। लेकिन खून तो उन्हीं का हूं। चलो चाचा। नहीं सनी, नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाऊंगा? पिताजी की जान खतरे में और तुम बेटे को रोक रही हो? हम अपराधियों से कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते। सारे के सारे नाते रिश्ते हमने बहुत साल पहले ही तोड़ दिए थे। तो फिर क्यों भरती है मांग में सिंदूर? क्यों पहनती है यह मंगलसूत्र? क्यों कहती हो कि वो कहीं दूर चले गए? क्यों नहीं कहती कि वो मर गए? तेरे थप्पड़ ने रिश्ते को टूट होने का सबूत दे दिया है। रुको, रुको, ये मुझे दो, ये मुझे दो, ये मेरा हिसाब है। बाबा, बाबा, बाबा तो बुलाता है, बाबा, 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 बाबा बोलता है, चलिए, बाबा चाहिए। छोड़ दो उस बुड्ढे को। जिंदगी में पहली बार एक बाप मिला है, कैसे छोड़ दूं? मेरे रास्ते से हट जाओ। मूव, मूव, आई विल किल यू बास्टर्ड, मूव। राज, किसने किया? बोल छोटे। डोगरा,
मैं तेरा सारा वंश मिटा डालूंगा। राज, मुझे डोगरा और एक लाश और चाहिए, सनी की। बाबा, जब इस घंटे के अंदर आपके सामने जिंदा डोगरा और मुर्दा सनी होगा। राज जी बाबा, लाश गिराने के लिए हमारे बीच एक रस्म हुआ करती है, भूल गए? नहीं बाबा। निशान आजकल चूकने लगा है। वो मेरा अहंकार था जो तुम्हें हर दिन मेरे कदमों में झुकाए रखना चाहता था। अब लालचंद तुम्हारे सामने है, जो तुम्हारे बराबर खड़ा होके खुद को सिर्फ एक इंसान महसूस करना चाहता है ना। किसी आप? आज मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूं। मेरी पत्नी मुझे मिल गई, अरे मेरे तीनों बेटे मुझे मिल गए। तीनों बेटे? हाँ। कहाँ है मेरे बच्चे? एक ये मेरा बच्चा मेरे नजरों के सामने है, और दूसरा बेटा दूसरा इसी शहर में है, और तीसरा? तीसरा जनाब तीसरा अस्पताल में है। अस्पताल में? मेरी ममता ने तो उसी दिन छिंचोड़ा था बेटे, जिस दिन मां कहकर तू मेरी गोद में गिरा था। तेरी गोद में गिर के ही मुझे विश्वास हो गया था मां कि मौत मुझे हार गई। वाह, अब जीने का मजा आएगा, सब अपने मिल गए। डैडी, पिताजी इतने साल बाद दर्शन हुए और आप पीठ मोड़ कर खड़े हैं। बेटा, तुम लोगों से बिछड़ने के बाद किस्मत पे से विश्वास ही उठ गया, खुशियां अजनबी सी लगने लगी। वक्त के हाथों ने नोच नोच के मेरे दामन को इतना छोटा कर दिया कि आज की ये खुशियां दामन में समेटने की जगह ही नहीं है। बेटे, बीते हुए कल के बारे में कोई सवाल मत करना, तेरा ये गुनहगार बाप कोई जवाब दे नहीं पाएगा। पिताजी, औलाद सवाल करेगी भी तो क्या करेगी, बस शिकायत करेगी कि इतने साल बाद आप हमसे क्यों मिले। क्या हम सब तो मिल गए, लेकिन हमारा एक बड़ा भाई भी है, राज।
राज हमारा बड़ा भाई है। हाँ जय। सनी जा राज को ले आ। जा पिता ले आ उसे। नहीं राज को ढूंढना पड़ेगा। क्या? वो गुमराह हो गया है, उसे अपनी दुनिया में लेकर आना होगा, उसे अपनी दुनिया में लाना होगा। नहीं झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुमसे तुम्हारा बच्चा गिराने को कहा इसलिए ये कहानी बना ली है तुमने। ज्योति तुम अच्छी तरह से जानती हो इस दुनिया में बाबा के सिवा मेरा कोई नहीं है। पूरा खानदान है तुम्हारा, बाबा तुम्हारा कोई नहीं लगता। तुम्हारे माँ बाप है, दो दो भाई है, जय और सानी तुम्हारे ही भाई है। जय उछालना पड़ेगा, तुम्हारे नाम का भी सिक्का उछालना पड़ेगा। नहीं नहीं ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। मेरा भाई है सनी। देखो सनी तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता तो है नहीं, ना तुम मेरे दोस्त हो ना भाई हो, फिर भी मुझे ऐसा लगा कि कहीं पुलिस के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। मतलब सनी का बाप ही मेरा। नहीं नहीं खुद अपने बाप को इन हाथों से घोड़े मारे, अपने बाप को नहीं नहीं क्यों क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं नहीं इसका जिम्मेदार नहीं बचेगा, नहीं बचेगा वो हरामजादा। राज क्या बात है बेटे? मेरे बाप को मेरे हाथ से कोड़े क्यों लगवाए? क्योंकि वो मेरा दुश्मन है, लेकिन वो मेरा बाप है, ये तुम जानते थे। हराम ज्यादा है वो, तुम्हारा बाप होने से मेरी दुश्मनी खत्म नहीं हो जाती समझा? लेकिन फिर भी वो मेरा बाप रहेगा। मेरे ही हाथों क्यों करवाया ये काम? ये मेरा तरीका है डोगरा से बदला लेने का, क्योंकि उसने मेरे और मेरे बाप के साथ भी ऐसा ही कुछ किया था। आज भी बहुत दर्द है उन जख्मों में जो तेरे बाप ने मुझे दिए थे। तू क्या समझा मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा? उस कुत्ते को मैं जान से मार डालूंगा। और एक बाप कान खोल कर सुन ले तू राज। ठीक 24 घंटे के अंदर मैं तुझे मार डालूंगा बाबा, ठीक 24 घंटे के अंदर। बहुत उछालाना ये सिक्का तूने मेरी तरफ, बहुत सिक्का उछालाया ना। आज तेरे नाम का सिक्का मैं उछालूंगा बाबा। तेरा नाम पता कसूर मैं सब जानता हूं। तू अपना नाम और पता बदल सकता है बाबा, लेकिन अपनी किस्मत नहीं बदल सकता। तेरी किस्मत में मैंने मौत लिख दी है बाबा, मौत लिख दी है। यह है दौलत, यह है हथियार,
दौलत से अपनी जेबें भर लो, हाथों में हथियार उठा, और इन पांचों की लाशें चाहिए मुझे, इन पांचों की। मैं चाहूं तो तुम तीनों को यही खत्म कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारे पूरे खानदान को एक साथ मारना चाहता हूं। ले चलो इन्हें। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, अब क्यों फिक्र करते? ये सब डोगरा, बरसों बाद तुझे तेरी औलादें मिली हैं, वो मेरे पास हैं। जल्दी आ गया तो जिंदा देख लेना, देर की तो लाशें मिलेंगी। बाबा बच्चे, Chibi 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 chibi
कैसे हो सनी बेटे? ये बम है बम। जब बढ़ता है ना धमाका होता है, और जब धमाका होता है ना तो शरीर के चिथड़े चिथड़े होकर हवा में उड़ते हैं। देखना चाहते हैं? देख लो। डर लगता है ना? डर लगता है ना? बाबा! अरे इंस्पेक्टर! अरे इंस्पेक्टर साहब को किसने बांध के रखा है? मारने का बहुत शौक है ना? मार, मार, इस तरफ मार। तेरे उस थप्पड़ की गूंज मुझे अभी तक याद है। देखा किसने थप्पड़ मारते हुए? देखा किसने? मैंने देखा बाबा। अरे मेरे बेटे ने देख लिया। क्यों बांध के रखा है मेरे बेटे को? बेचारा। उंगली तोड़ने का बहुत शौक है ना? ले तीन बाकी है, तोड़ना। तोड़ तक तक। कैसे तोड़ी थी तूने उंगली? ऐसे? नहीं अभी तक टूटी नहीं। आओ डोगरा। टाइम हो डोगरा? घड़ी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन इतना जानता हूं कि तेरा वक्त खराब चल रहा है। खराब तो तेरी किस्मत है डोगरा। वैसे तेरी किस्मत का फैसला करने में मुझे देर तो नहीं हुई ना? नहीं, तेरी मौत आज ही आने वाली है। सुना तुम लोगों ने, जाल में फंसा हुआ शिकार शिकारी की मौत की बात कर रहा है। मेरी बात ठीक तरह सुन ले, आज मैं तेरे पूरे खानदान को मिटा दूंगा। नहीं बाबा, 20 साल तरसी है ये माँ अपने बच्चों के लिए, खूनी बहाना है तो मेरा वहां, मैं अपने। नहीं अंजना, इसकी दुश्मनी मुझसे है, ये मुझसे हिसाब चुकाना चाहता है। बाबा मुझसे बदला लेना है ना तो ले, मैं अपने आप को तेरे हवाले कर। डोगरा छोड़ मुझे, डोगरा। नारे खाकी आ गया। आज तुम्हारा कानून, तुम्हारी वर्दी किसी काम की नहीं। ऐ राज, अपने आप को बड़ा सुरमा समझता है ना तो हराम सादे, लेकिन आज कोई सिक्का नहीं उछलेगा। आजा आगे, आजा आजा आजा। डोगरा तुझे भी किसी बात का अफसोस नहीं होगा, क्योंकि आज ना तो यहां कोई अकेला रहने वाला है और ना ही कोई अकेला ऊपर जाने वाला है। तुम सब साथ में ऊपर जाओगे, सब।
ये देख। सब नकली है। एक दिन मेरा बेटा मुझे जरूर मिलेगा, है ना अंजना? हाँ, यही कहा था ना मैंने? हाँ, हाँ बेटा। मुझे भी उम्मीद थी बाबूजी, मुझे भी उम्मीद थी, लेकिन आपको आपको मौका नहीं मिला और मुझे वक्त नहीं मिला बाबूजी, मुझे वक्त नहीं मिला बेटा, मुझे वक्त नहीं मिला, मुझे वक्त नहीं मिला। मुझे माफ कर दीजिए। जय जय भैया, मुझसे बात करो, अपने छोटे भाई से बात करो। सनी नहीं भैया, सनी जय राज, राज बेटा, माँ मेरी ज्योति। नहीं राज, राज बेटा, कहाँ जा रही है? मैं खुद नहीं जानती हूँ बाबूजी, जो पत्ता शाख से टूट जाए उसकी मंजिल तो हवाएं तय करती है। नहीं बेटा, तू तो हमारे परिवार की ज्योति है, जिस बेटे को मैंने खोया है वो बेटा तो तू ही देगी मुझको।